हाँ तो यूट्यूबर्स, आप लोगों को पता होगा कि वीडियो को वायरल करने के लिए आप लोगों को टॉपिक अच्छे से फाइंड करना चाहिए, उसमें जो आप लोग टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन देते हो उसका भी आप लोगों को अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। अगर ऐसे करके हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारा वीडियो 99% चांस है कि वो वायरल चला जाता है। तो आप लोग कीवर्ड को रिसर्च कहां से करेंगे, टॉपिक आप लोग अच्छे से कहां से सर्च करके लाएंगे? तो सिंपल से यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को सबसे पहले YT स्टूडियो ओपन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को एनालिटिक्स क्लिक कर लेना है और देख सकते हो ऊपर में आप लोगों को एक रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो रिसर्च का ऑप्शन है इसमें आप लोग अपने टैग्स को, अपने टाइटल को, अपने टॉपिक को अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बताया जाएगा इसमें कितना सर्च हो रहा है, कंपटीशन है नहीं है, किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, सब चीज इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को एक रुपया भी पैसे देने का दरकार नहीं है। तो आप लोग अच्छे से ये रिसर्च टैब को समझ जाइए। ये जो रिसर्च टैब है सबसे पहले क्रोम बीटा पर आया था, लेकिन अभी आप लोगों को YT स्टूडियो पर भी बहुत दिनों से, लगभग एक साल से देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका यूज करने आप लोगों को नहीं आता है। ये रिसर्च टैब, YT स्टूडियो का रिसर्च टैब मैं आप लोगों को थोड़ा देर बाद बताता हूं, पहले मैं आप लोगों को क्रोम का YT स्टूडियो में जो रिसर्च टैब है उसे मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। उसमें आप लोग टॉपिक को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सिंपल सा यहां पे मैं क्रोम सर्च कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को कैसे जाना है, कहां पे जाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा studio.youtube.com आप लोगों को सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हो सकता है कि आप लोगों का YT स्टूडियो एप्लीकेशन पहले आ रहा है और नीचे में आप लोगों को कंटिन्यू टू स्टूडियो मिल रहा होगा, उसे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ये ऑप्शन अभी मेरे इस मोबाइल में नहीं है क्योंकि उसे मैं सेटिंग पे हटा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा जूम कर लेना है और देख सकते हो ये एनालिटिक्स चार नंबर पे मिल रहा है ना, ये एनालिटिक्स पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इधर स्लाइड करते हैं तो रेवेन्यू की जगह पर, ये रेवेन्यू शायद आप लोगों को नहीं आएगा अगर आपका मोनेटाइजेशन नहीं है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कोई भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है नहीं है, किसमें आप लोगों को बनाना चाहिए नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन से कीवर्ड में बनाना चाहिए। अभी देखो उससे पहले आप लोगों को जानना है, देख सकते हो क्या लिख रहा है, योर व्यूअर सर्च, आपका जो व्यूअर्स है, आपके जो ऑडियंस है वो क्या सर्च करके यहाँ पे आपका वीडियो देख रहा है, दूसरे का वीडियो देख रहा है, तो वहां पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को ऑल सर्च इंग्लिश एंड यहाँ पे आप लोगों को इंडिया यूनाइटेड स्टेट मतलब वो कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सब सेलेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे इंडिया आप लोगों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडिया का ऑडियंस को आप लोगों को टारगेट करना है। जैसे ही इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं चाहिए या हिंदी में चाहिए तो आप लोग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी उसमें मैं बोलूंगा कि नहीं सर्च करना है, वो इंग्लिश आप लोगों को रहने देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, ऑल सर्च की जगह पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टेंट गैप्स पे आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अब कंटेंट गैप्स पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि वही टिक्स, वही टैग्स या वही टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा जिसमें वीडियो तो है लेकिन अच्छा वीडियो नहीं है। अगर आप लोग डिटेल से उसमें वीडियो बना देते हो ना तो फिर आपका जो वीडियो है वो रैंक करने लग जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, डेली ब्लॉग, विलेज ब्लॉग, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, राजा ब्लॉग, यूट्यूबर, यूट्यूब बैनर, इस सब टॉपिक में अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो 100% वो वीडियो मेरा जितना मैं व्यूज आता है, जैसे कि 1000 मेरा व्यूज आ रहा ना तो लगभग 5000 व्यूज आने लग जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे टॉपिक आता है। उसे इस देखो छोटा छोटा कीवर्ड है, बाकी मैं बोलूंगा छोटा कीवर्ड में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे छोटा करके आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है एरो का, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को देखो यहाँ पे जैसे कि ये माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो, इस पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा कीवर्ड जहां पे लगेगा टॉपिक वही वाला है, बाकी यहाँ से आप लोग टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। टॉपिक का बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, YouTube क्रिएट अर्ली एक्सेस, ये क्या चीज है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था YouTube शॉर्ट्स का एक एडिटिंग एप्लीकेशन आ रहा है, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके साथ साथ माय फर्स्ट ब्लॉग बांग्ला 2023, अगर आप लोग ब्लॉग वीडियो बना रहे हो तो इस कीबोर्ड को अगर आप लोग लगाते हो ना तो आपका वीडियो जितना व्यूज आता है लगभग 1000 व्यूज आता है तो आपका 5000 व्यूज आएगा 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे वही चीज बता रहा है। फिर देखो ब्लॉग थंबनेल एडिटिंग, आप मेरे चैनल में जाओ ब्लॉग थंबनेल एडिटिंग सर्च करना तो मेरे चैनल पे देखिएगा, लगभग उसमें 1,00,000 प्लस व्यूज है। तो मैंने यहीं से देख के वो सब वीडियो बनाया था और वो सब वीडियो मेरा वायरल भी गया है। और देखो आप लोगों को कॉन्टेंट गैप्स यहाँ पे है ना, अब आप लोगों को साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, थोड़ा मैं जूम यहाँ पे हटा लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, सर्च वॉल्यूम ऑन यूट्यूब, देखो सब चीज हाय 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 है, यानी कि बहुत ज्यादा ये सब सर्च किया जा रहा है। और इस पर, इस कीबोर्ड पर या इस टॉपिक पर अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं और यही चीज को, जैसे कि ये जो दिख रहा है ना, ये आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ टैग्स और टाइटल भी दे रहा है, ये टैग्स और टाइटल भी दे रहा है। जैसे कि अगर फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हो तो इसी चीज को आप लोग फर्स्ट ब्लॉग जो बना रहे हो वो तो ऑलरेडी बोल ही रहे हो ना वीडियो में, तो आप लोग इसमें ना टाइटल में टैग्स में अगर ये देते हो तो आपका वीडियो ज्यादा वायरल होने का ज्यादा चांस है। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी मैंने बताया कि कॉन्टेंट गैप्स, यानी कि आप लोग ऐसा टॉपिक पर जिस पर वीडियो बनाने से आपका व्यूज आएगा ही आएगा, वो मैं आप लोगों को बताया। कंटेंट गैप्स का यहाँ पे देखो, कंटेंट गैप्स यहाँ पे सर्च है ना, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके, यहाँ पे आप लोगों को ऑल सर्च पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है।
उसके बाद आप लोगों को और भी कई सारे यहाँ पे देख तो मिल जाएगा, जैसे कि मिनी ब्लॉग एडिटिंग ट्यूटोरियल आप लोग देख लीजिएगा, मिनी ब्लॉग एडिट कैसे करें मेरे चैनल पर, उसमें भी लगभग 50,000 से ज्यादा व्यूज है। उसके साथ साथ हाउ टू मेक मिनी ब्लॉग कैसे बनाए देख लीजिएगा, 3 लाख से ज्यादा व्यूज है लगभग 2 महीने के अंदर। उसके साथ साथ मैंने बनाया था पेड मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब देख लीजिएगा, नॉर्मल मेरा व्यूज आता है 1,000 लेकिन अभी उसमें लगभग 5,000 या 6,000 प्लस यहाँ पे व्यूज आ गया है। उसके साथ साथ AI वीडियो मोनेटाइज और नॉट, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था देख लीजिएगा, नॉर्मल व्यूज मेरा लगभग वही 1,000-1,500 आता है लेकिन जो वीडियो है इसमें मेरा लगभग अभी तक 15,000 व्यूज आ चुका है। यानी कि जो भी यहाँ पे देखो हाउ टू मेक मिनी ब्लॉग मैंने पहले ही बताया, मिनी ब्लॉग कैसे बनाए उस पर मैंने वीडियो बनाया था, लगभग 2 महीने के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से टॉपिक फाइंड करना है। अगर आप लोगों को ये सब टॉपिक में वीडियो बनाने के बाद भी अगर व्यूज नहीं आ रहा ना, तो आप लोगों को देखो यहाँ पे आप लोगों को एरो मिल रहा है ना, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को ये जो हाई नजर आ रहा है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को हाई नजर आ रहा है, इस पर आप लोगों को अगर नहीं व्यूज आ रहा है हाई में तो आप लोगों को मीडियम वाला सिलेक्ट कर लेना। देख सकते हो आप लोगों को मीडियम का भी कीबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे देखो क्या मीडियम में आ रहा है, तो प्रमोशन बीटा यूट्यूब देख लीजिएगा, उसमें मेरे 15,000 से ज्यादा व्यूज है। उसके बाद यूट्यूब प्रमोशन बीटा फीचर, इसमें भी आप लोगों को 15,000 व्यूज है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को DID है, इसमें 35,000 से ज्यादा व्यूज है। उसके बाद देख सकते हो नीचे में फ्लाइट एंड एविस्पोर्ट से कैसे ले 10,000 से ज्यादा व्यूज है लगभग वही 2 हफ्ते के अंदर। तो ये सब में अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके अपने चैनल के हिसाब से अनुसार करना है, ये मेरे चैनल के अनुसार आप लोगों को बता रहा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई टॉपिक मान लेते हैं, ये जैसे अभी टॉपिक आता है यहाँ पे आप लोग अगर सेव करके रखते हैं ना, यहाँ पे सेव कर लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को सेव का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप लोगों को मिलेगा कौन कौन सा सेव है। उसके साथ साथ देखो पिक्सल फॉन्ट डाउनलोड, ये कॉन्टेंट गैप्स में चल रहा है, इस पर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो 100% वो वीडियो मेरा वायरल जाएगा देख लीजिएगा। कॉन्टेंट गैप्स में ज्यादातर वीडियो बनाने का चांस रखिएगा, उसमें ज्यादा व्यूज आता है। उसके बाद देखो मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज बता दिया, अब यहाँ पे आप लोगों को सर्च अक्रॉस यूट्यूब यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को कैसे ये वाला जो चीज है उस पर आप लोगों को कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो देख सकते हो क्या लिख रहा है, इंटर ए सर्च टीम टर्म और टॉपिक, टॉपिक भी सर्च करते हैं, टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। सिंपल सा अभी मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं YouTube ओपन कर लिया, अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट सर्च करना है, जैसे कि मेरे को चाहिए ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, ठीक है कैसे बनाए, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला टैग यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जो टैग आप लोगों को मिल रहा है ना, ये वाला आप लोगों को यहाँ पे सर्च पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देखो मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट लगेगा, देखो यहाँ पे आ गया, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एकदम ओरिजिनल टैग्स मिलेगा, आपके चैनल जो आपका रैंक करेगा वो सब आप लोगों को टैग्स मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, इस पर आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे हाई लिख रहा है, बहुत ज्यादा सर्च होता है यहाँ पे देखो हाउ, जो आप लोगों को हाई नजर आ रहा ना, अगर उसमें आप लोगों का टैग्स रैंक नहीं कर रहा ना, तो आप लोग ये जो मीडियम नजर आ रहा है इस पर आप लोग ये सब कीवर्ड आप लोग अपने वीडियो में डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोबाइल से ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए मोबाइल से, ये सब अगर हम लोग टैग डालेंगे, मैं डालूंगा कुछ भी ना तो ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है मेरा वीडियो वायरल चला जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए वो वायरल गया है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखिएगा, अगर हाई में नहीं जा रहा तो आप लोगों को मीडियम में जाना है, क्योंकि जो मीडियम है वो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं, नॉर्मल जिसको उतना अच्छे से आता नहीं है वो कुछ इस प्रकार से, जो प्रो प्लेयर है वो ऑलरेडी ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए डायरेक्टली सर्च करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल है वो लिखेंगे कि यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए मोबाइल से, ऐसा करके आप लोग सर्च करेंगे। तो ये सब आप लोगों को अपने वीडियो के टैग्स में डाल देना है, लॉन्ग कीबोर्ड ज्यादातर ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को ये YT स्टूडियो का जो रिसर्च है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखो रिसर्च है YT स्टूडियो जो मोबाइल में दिया हुआ है, ये एकदम उससे अलग दिया हुआ है, इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा फीचर मिलता है। अगर आप लोगों को अच्छे से अपने वीडियो को टैग्स वगैरह रैंक कराना है, टॉपिक वगैरह रैंक कराना है, तो बस आप लोग दोनों तरीके को फॉलो कीजिए और आप लोग अपने वीडियो को आराम से वायरल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टॉप सर्चेस यहाँ पे आ रहा है, सीमोर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग ये सब ज्यादातर सर्च हो रहा है मेरे चैनल पर, तो अपने चैनल पे देख लीजिएगा क्या क्या सर्च हो रहा है, जैसे कि YouTube एडिटिंग फॉर YouTube चैनल, पिक्सट YouTube वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आ रहा है। ये सब में अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे ना मेरे चैनल पर, तो आराम से वो वीडियो वायरल चला जाएगा, लगभग अच्छा खासा व्यूज लेके आएगा, 1,000 आता है व्यूज तो लगभग 5,000 तो आराम से लेके आएगा। अब आप लोग यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ध्यान रखना है, टॉप सर्च क्या क्या सर्च करके आपके चैनल पर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को टॉपिक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही सेम चीज क्या नहीं आ रहा है, क्या किस में बनाना चाहिए, अभी मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को ये सब ध्यान देना है, ठीक है। रिसेंटली देखो, रिसेंट वीडियोस रिलेटेड टू सोशल मीडिया, योर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड दिस टॉपिक, ये सब टॉपिक मेरे ऑडियंस देख रहा है। अगर आपके चैनल के रिलेटेड ये सब वीडियो आ रहा ना, तो ये सब वीडियो आपको बनाना चाहिए तुरंत, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे सीमोर में क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सीमोर में, अगर क्लिक करते हैं तो देखो ये सब वीडियो मेरे जो व्यूअर्स है ना वो ऑलरेडी ये सब देख रहा है। अगर आपके चैनल जो आप लोग वीडियो बना रहे हो उस रिलेटेड अगर यहाँ पे भी वीडियो आ रहा है ना, तो वो सब आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो क्या लिखा है, दी डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, इस पर हम बना सकते हैं, 13 दिन के अंदर 8,000 व्यूज है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अनलॉक योर सोशल मीडिया ग्रोथ, ये सब आप लोग ये सब मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो इसे अगर आप लोग ब्लॉग वीडियो बना सकते हैं तो कोई ना कोई ब्लॉग वीडियो यहाँ पर रहेगा जिसे आप लोग इजिली बना सकते हो। अभी मैं बैक करता हूँ, ये वाला ध्यान रखिएगा, टॉपिक कहाँ से कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
टॉप सर्च रिलेटेड टू मनी अर्निंग एप्स, मैं जो स्पॉन्सर वीडियो बनाता हूँ, अर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, उसमें अगर ये जो कीवर्ड आता है, ये जो यहाँ पे तीन कीवर्ड दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे मैं सी मोर पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना सारा कीवर्ड यहाँ पे, ये सब कीवर्ड अगर मैं अपने वीडियो में डालता हूँ ना, तो मेरा जो वीडियो रहेगा वो ऊपर में रैंक करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ, अगर जैसे ही इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि ये वाला जो टैग है ना, इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, और देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट जो है ना, इन्वेस्ट वाला वो कम सर्च कर रहा है, मोबाइल ऐप वाला ज्यादा सर्च कर रहा है। तो मोबाइल ऐप यहाँ पे जैसे कि लिखा है टॉप 10 बेस्ट अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्ट 2023, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे ना मोबाइल ऐप टॉप 10 बेस्ट अर्निंग मोबाइल ऐप विदाउट इन्वेस्ट 2023, तो ये उसमें ज्यादा यहाँ पे जो वीडियो रहेगा वो रैंक करने का रहेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप लोग देखो यहाँ पे और भी यहाँ पे देखो हाई सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ जाता है, इसमें अगर सी मोर क्लिक करेंगे ना तो फिर से आप लोगों को और अच्छा सा टैग मिल जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, वॉच्ड बाय यूट्यूब व्यूअर्स, क्या कौन कौन सा वीडियो देख रहा है, तो देखो यहाँ पे ये सब वीडियो मेरा देख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सीमोर में मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को टाइटल नहीं मिल रहा ना तो बस यही वाला टाइटल, सेम इस वीडियो का टाइटल, इसको कैसे कॉपी करना है, तो देखो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और देखो ये यूट्यूब पे ला दिया ना, अब यहाँ से आप लोग वो टाइटल देखिएगा, देखो यहाँ पे वो स्प्रीडिंग ज्ञान का यहाँ पे वीडियो आ गया, ठीक है, स्प्रीडिंग ज्ञान सर का। तो देखो ये वाला जो सेम टाइटल हम लोग अगर कॉपी करके मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा ना, तो मेरा जो वीडियो रहेगा वो ऊपर की ओर रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को तो अच्छा टैग्स यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, अभी मैं आप लोगों को और चीज बताता हूँ, फिर आप लोगों को रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाता है, बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, ये वाला चीज और ये वाला चीज और ये वाला चीज, ठीक है, और कौन कौन सा वीडियो ऊपर में रैंक कर रहा है, ये तीनों चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी वीडियो बनाना है। फिर मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ ये क्या था, मनी अर्निंग एप्स, यानी कि मैं अर्निंग एप जो यहाँ पे डालता हूँ उसके रिलेटेड था, ठीक है। अभी मैं इसको हटा लेता हूँ, फिर यहाँ पे अभी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो देख सकते हो क्या लिखा है, टॉप सर्च रिलेटेड टू मोनेटाइजेशन, यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या सर्च किया जा रहा है। यहाँ पे मैं फिर से इसका सीमोर में क्लिक कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे मुझे सीमोर का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड टू यहाँ पे सीमोर देना चाहिए था, बट यहाँ पे सीमोर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, YT स्टूडियो न्यू अपडेट मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किससे करें, मनोज दे, यूट्यूब अर्निंग न्यू अपडेट। ये तीनों टैग्स में अगर हम लोग अपने वीडियो में डालते हैं मोनेटाइजेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो, जैसे कि अपडेट आ गया या मोनेटाइज किससे करें या मोनेटाइजेशन वक्त क्या ध्यान रखना है, ये सब टैग्स अगर डालते हैं तो मेरा जो वीडियो रहेगा वो ऊपर की ओर रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्या बोला, रिलेटेड वीडियोस टू यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक के रिलेटेड कौन कौन सा वीडियो चल रहा है, 11 दिन के अंदर 1700 व्यूज आया है, इस रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरा जो वीडियो रहेगा वो ऊपर की ओर रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे भी ऊपर, ये जो वीडियो नजर आ ना इससे भी ऊपर मेरा वीडियो रैंक होगा। फिर देखो हाउ टू रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन यूट्यूब, 3 हफ्ते के अंदर 9000 व्यूज आया है, ये सब मैं मुझे इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, अगर आप लोग ब्लॉग वीडियो बना रहे हो, फैक्ट वीडियो बना रहे हो, तो ये सब टॉपिक अगर आप लोगों को यहाँ पे दे रहा है तो वो सब मैं आप लोग बनाइए, हो सकता है कि एक दो वीडियो बना रहे हो तो व्यूज नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग वीडियो बनाओगे तो उस हिसाब से आप लोगों का व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप सर्च रिलेटेड टू अर्निंग, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर देखो क्या बोल रहा है, रिसेंट वीडियोस रिलेटेड टू इमेज, इमेज के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो नजर आ रहा है। देखो कितना सारा टॉपिक दिया मुझे, मेरा YouTube रिलेटेड वीडियोस है लेकिन अर्निंग का रिलेटेड दिया मुझे, इमेज के रिलेटेड दिया, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड दिया, उसके साथ साथ ग्रोथ कैसे करें, मोनेटाइजेशन कैसे करें, वो सब रिलेटेड मुझे टॉपिक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और ये सब टॉपिक में वीडियो मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते क्या लिखा है, टॉप सर्च रिलेटेड टू एडोब प्रीमियर प्रो, ऐसा ही आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों को यहीं से टॉपिक फाइंड करना है, अब आप लोगों को इधर उधर सर्च करने का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो फिर से टॉप सर्च रिलेटेड टू मेकिंग मनी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, वो अर्निंग रिलेटेड था, यहाँ पे मेकिंग मनी रिलेटेड था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब मैं आप लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, और जो हम लोगों ने कॉपी किया था ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए उसको हम लोग यहाँ पे सर्च पे पेस्ट करते हैं, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए आ गया, यहाँ पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट गैप्स में आ रहा है, ब्लॉग्स, मस्ट ब्लॉग, ब्लॉग वीडियो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कंटेंट गैप्स में अगर अच्छा कीवर्ड नहीं आ रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कंटेंट गैप्स हटा के मोस्ट पॉपुलर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मोस्ट पॉपुलर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्लॉग वीडियो देखो यार, योर ऑडियंस एक्टिविटी नॉट इनफ इन्फो अबाउट योर ऑडियंस, मेरा जो ऑडियंस है अभी के टाइम पर इसमें उतना खास ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसमें अगर आप लोगों को चाहिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन वो जो आप लोगों का व्यूज आएगा वो सर्च से आएगा या फिर ब्राउज फीचर से व्यूज आएगा, लेकिन आपके जो ऑडियंस है वो कम देखेगा, वो आपका ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देखेगा। मेरा इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, मिनी ब्लॉग वीडियो कैसे बनाए, उसके साथ साथ मिनी ब्लॉग एडिट कैसे करें, ऑलरेडी मेरे ऑडियंस है वो वीडियो देख रहा है, तो अभी वो किस लिए, मैं इतना डिटेल से वीडियो लाता हूं कि दूसरा वीडियो उन लोगों को देखने का जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा जो ऑडियंस है वो अब इस कीबोर्ड पर कोई भी यहाँ पे सर्च करके नहीं दिखा रहा। अभी मैं आप लोगों को दूसरा कीबोर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे वहां पर कॉपी कर लिया है, एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, व्यूज कैसे बढ़ाए, उस पर मेरा ऑडियंस यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था, इसीलिए एडिटिंग कैसे करते हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ।
और देख सकते हो मेरा ऑडियंस इतना सारा यहाँ पे एक्टिवेट है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी रिसेंटली वॉच्ड, यानी कि रिसेंट में ये वॉच कर रहा है, एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरे वीडियो पर व्यूज आएगा। कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी रिसेंट में मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए और देखिए मैंने लिखा था कि ध्रुव राठी जैसा वीडियो कैसे एडिट करे, उस पर देख लीजिएगा। नॉर्मल से मेरा ज्यादा व्यूज आया हुआ है और उसमें अभी वो व्यूज जा ही रहा है, तो यहीं से मुझे वो टॉपिक मिला था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ये सेटिंग ऑन कर लो रील्स तुरंत वायरल। ये सब टॉपिक अगर आपके रिलेटेड, आपके चैनल रिलेटेड, तो ये सब टॉपिक में भी आप लोग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अपलोड वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो रिसेंट में मिल रहा है, रिसेंट में क्या चल रहा है, मोस्ट पॉपुलर कीजिएगा ना, मैं मोस्ट पॉपुलर क्लिक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे काइन मास्टर एडिटिंग वाला चल रहा है, लर्न हाउ टू एडिट यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग चल रहा है दो हफ्ते अंदर। ये देख सकते हो 2 लाख व्यूज है ना, सेम टाइटल सेम चीज सेम टॉपिक पर अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर आपका भी वीडियो वायरल चला जाएगा। सिमोर पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कुछ कीबोर्ड्स मिल रहा है, तो ये सब कीबोर्ड्स आप लोग डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रहा था कि हाउ मेनी रिसेंटली वॉच दिस, यानी कि आपके जो ऑडियंस है वो रिसेंट में वॉच कर रहा है, तो आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग सेव कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं सेव कर लेता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो अनसेव कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे YT स्टूडियो में कोई भी चीज को अगर हम लोग सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सेव करने यहाँ पे एक्सप्लोर दिस मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है सिंपल सा, और देखो एडिटिंग कैसे करते हैं वो सेव में आ जाता है। अभी जो मैंने आप लोग ट्रिक बताया है वो आप लोगों ने अगर शुरुआत से अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों का जो कीबोर्ड रहेगा, वीडियो का जो टैग्स रहेगा, उसे अगर अच्छे से फाइंड कर लेते हो, और हाँ रिसर्च टैब से आप लोग जो कीबोर्ड फाइंड करते हो उसे आप लोगों वीडियो और ट्यूब बॉडी में भी एक बार रिसर्च कर लेना है। तीन तरीके से अगर रिसर्च कर लेते हो ना, तो आपके वीडियो को रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्त चैनल में नया आया हो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए और एक नया चैनल है जिसमें मैं स्पॉन्सर रिलेटेड देता हूँ। स्पॉन्सर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किससे आप लोग बात कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आप लोग YT स्टूडियो को अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक कर लो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।